जोधपुर में रिश्वतखोरों के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल को 1400 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सारणी की ढाणी सिंहधरी बाड़ में निवासी 21 वर्षीय गोपाल देव ने एसीबी को शिकायत में बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम मालखाना में तैनात हेड कांस्टेबल हर सुखरम राम ने परिवादी की नई मोटरसाइकिल को ट्रैफिक चालान छोड़ने के लिए रिश्वत मांगी, जिस पर एसीबी ने शिकायत कर सत्यापन कर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस पर आरोपी हर सुखरम राम को 1400 रुपए की रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ट्रैफिक के मालखाने के इंचार्ज हैं जोधपुर कमिश्नर ट्रैफिक के, एक परिवादी हैं गोपाल देव जिनकी एक मोटरसाइकिल 2 तारीख को सीज की गई थी। उन्होंने नई मोटरसाइकिल खरीदी थी 29 तारीख को और वो उनके नंबर नहीं लगे हुए थे, उस कारण से सीज हो गई थी। उसको छुड़वाने के लिए वो मालखाने में आए, संपर्क किया तो उनसे करीब 2000 रुपये मांगे गए, बाद में नेगोशिएट करके 1800 16